सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई होप कि आपने जी थैंक यू, थैंक यू सो मच. इट इज माय इंडीड माय प्लेजर कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया हूँ. जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप ऐसे हासिल किए और आप कैसे एनवायरनमेंट में ऐसे ग्रो अप हुए हैं. बेसिकली देखिए, एनवायरनमेंट तो एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली में ही ग्रो हुआ हूँ. बट हाँ, एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली होने के बावजूद भी, बट हाँ, एजुकेशन से लगाव रहा है सभी को, चाहे वो वालिद हों चाहे वालदा हों. बच्चों की परवरिश में जो है एजुकेशन का जो है बहुत बड़ा रोल है. रही बात एजुकेशन की, तो शुरुआती दौर तो जाहिर सी बात है कि थोड़े से ऐसे थे जो काबिल जिक्र नहीं है. बट हाँ, फिर वही है कि एजुकेशन लेते रहे साथ साथ. कुछ एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस मोड से हुई, कुछ एजुकेशन जो है वो रेगुलर मोड से हुई. फिर साथ साथ जैसे 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 ज़रूरियात आती गई, उस हिसाब से उनका सामना करते हुए फिर एजुकेशन भी हासिल करते रहे. फिर जो है प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल किया. फोटोग्राफी का शौक लगा तो फोटोग्राफी से रिलेटेड एजुकेशन हासिल किया. ऐसे ही बस फोटोग्राफी का चलती शौक रही कब आया? चीज़ें. एज यूजुअल जो देखिए होता क्या है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव माइंड होता है. ठीक है, किसी को शायरी से लगाव है, किसी को पेंटिंग से लगाव है, किसी को कुछ ना कुछ. तो वैसे ही फोटोग्राफी से भी लगाव था, करते रहते थे शुरू में कुछ ना कुछ. बाद में फिर कैमरा वगैरह खरीदा, फिर उससे फोटोग्राफी. बेसिकली मेरा जो शौक था वो ट्रैवल फोटोग्राफी का था. ट्रैवल के साथ साथ फिर फैशन में इंटरेस्ट आया तो फैशन फोटोग्राफी करने लगे. आगे बढ़ते बढ़ते फिर कॉमर्शियल जो है फोटोग्राफी में घुस गए. तो बस ऐसे ही कारवां चलता रहा. क्या बात है. अच्छा अजमल साहब, फोटोग्राफी में बहुत सारे अलग अलग जो हैं फील्ड हैं, फैशन फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी है और हिस्टोरिकल प्लेस की अलग फोटोग्राफी, तो सबका एक अलग अलग तरीका है, अलग अलग नजरिए से सभी चीजें देखते हैं. तो जब आपने ये शुरू किया तो फैशन फोटोग्राफी को चुनने का क्या मकसद था? बेसिकली देखिए, था कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन मुझे देखिए फैशन फोटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको लाइट्स के साथ जो है ना खेलने का पूरा पूरा मौका मिलता है. लाइट्स का जितना यूटिलाइजेशन फैशन फोटोग्राफी में होता है उतना दूसरे फील्ड्स में नहीं होता है. लाइक वाइल्ड फोटोग्राफी है या आप नेचर की बात करते हैं जैसे, ये ट्रैवल है तो वहां पे आपको लाइट्स की इतनी जरूरत नहीं है. और फोटोग्राफी जो है ना वो उसमें आपका जो सारा जो आपका आर्ट है ना वो इस पर डिपेंड करता है कि आप लाइट को कितने अच्छे तरीके से यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट पे. ठीक है, वो चाहे आउटसाइड में हो चाहे इंडोर में हो. ठीक है, तो मुझे ना जब फोटोग्राफी जिस वक्त मैं सीख रहा था, जब मैंने इसकी तालीम हासिल की, उस वक्त ही मेरा इंटरेस्ट इसमें जागा था कि मुझे एक ऑप्शन दिया गया कि मतलब मेरे पास एक ऑप्शन आया कि मैं किन किन फील्ड्स को चूज कर सकता हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि फैशन में जो है वो लाइट्स का जो जिस वक्त मैं सीख रहा था, फाउंडेशनल स्ट्रक्चर जब मैं फोटोग्राफी का सीख रहा था जी, उस वक्त ही मुझे ऐसा लगा कि ये फैशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें लाइट को बहुत अच्छे से नई नई तरीके से और नए नए जो मॉडिफायर्स हैं, मॉडिफायर्स इन द सेंस जो इक्विपमेंट्स हैं लाइट्स के, जी उनको कितने अच्छे से आप उनको यूज कर सकते हैं, वो फैशन के अंदर बहुत ज्यादा उसका यूज है. बाकियों में इतना नहीं है. बाकियों में फ्लैट लाइट, चाहे वेडिंग कर लीजिए आप, चाहे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर लें या फूड फोटोग्राफी कर लें, इन सब में लाइट्स का यूज होता है. बट कहीं ना कहीं फ्लैट होता है कि आप थ्री पॉइंट लाइटिंग एक इधर से एक इधर से एक ऊपर से करते हैं, वो फ्लैट लाइट एक जगह चला गया. बट फैशन एक ऐसा फील्ड है आप हर फोटो में अपने एक एक शूट पे एक ही मॉडल पे अलग अलग तरह से लाइट को यूज कर सकते हैं अलग अलग मॉडिफायर्स के साथ. तो वो एक आर्ट है फैशन के अंदर. अच्छा, क्या तो ये आपने फैशन फोटोग्राफी का जो ये कोर्स किया, ये किस इंस्टीट्यूट से या किस कॉलेज से किया आपने? मेरा एक्चुअली जो कोर्स किया था मैंने वो दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी से किया था. अच्छा, दिल्ली मेरी जो शुरू से ही मैंने पहले वहां से बेसिक्स किया. अच्छा, मैं सभी को ये सजेस्ट करता हूँ. देखिए, फोटोग्राफी एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल. जी, टैलेंट जो होता है वो बाय बॉर्न होता है. ठीक है, वो आप अच्छी फोटोग्राफी करते हैं ये आपका टैलेंट हो सकता है. बट आप टेक्निकली अच्छी फोटोग्राफी करते हैं ये आपकी स्किल है.
तो स्किल को जरूर सीखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्किल को जरूर सीखिए। तो फिर वैसे ही मैंने बेसिक्स फाउंडेशंस एंड देन उसके बाद फैशन जो है वो सारा मेरा डेली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी से ही था। अच्छा जी साहब। फिर बाद में छोटे छोटे वर्कशॉप्स वगैरह 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 चलते रहे। जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं इतने ज्यादा कंपटीशन आज बिल्ड हो गया है, अगर हम फोटोग्राफी की फील्ड में देखें तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन आगे जाके और राइज होगा या फिर इसका क्या फ्यूचर आपको लगता है, क्योंकि हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है, अगर हम देखें रील्स की बात करें बाकी सारी चीजों की बात करें, हर कोई फोटोग्राफी में लगा हुआ है। बिल्कुल, कॉम्पिटिशन देखिए, कॉम्पिटिशन हर जगह है। उस कॉम्पिटिशन में आपको कैसे सर्वाइव करना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक यूनिकनेस कैसे आप मेंटेन करते हैं हर फील्ड में, नई नई चीजें आप किस तरह से सीखते हैं, नई नई चीजों को देखिए। आप अगर मुझसे इंप्रेस्ड होते हैं, अगर मेरे काम से इंप्रेस्ड होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी यूनिकनेस मेरे अंदर जरूर होती है जिससे आप इंप्रेस्ड होते हैं। आप एक क्लीशे को नहीं फॉलो करते हैं कि अजमल भी वही फोटोग्राफी करता है और दूसरा भी वही फोटोग्राफी करता है, तो अगर आप मुझे कंपेयर करते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप मुझे चूज करेंगे। आइदर प्राइस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, आइदर क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, आइदर नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, आप नई नई चीजें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फोटोग्राफी में भी हर दफा कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो कैमराज हो। आजकल तो अगर आप कॉमर्शियल फोटोग्राफी की बात करें तो जो जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो सारी चीजों से अवेयर्ड है। वो फोटोग्राफर से वो पूछते हैं कि आप कौन सा इक्विपमेंट चूज करेंगे। एक वक्त था जब उनको इन चीजों से मतलब नहीं था, उनको फोटोज से मतलब था, ठीक। लेकिन अब वो फोटोग्राफर से पूछते हैं कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज करेंगे, वो बाकायदा नाम बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं। तो आप टेक्निकली कितना मतलब अपग्रेडेड हैं, नई नई चीजों को कितना आप उसमें यूज कर रहे हैं, या स्टाइल्स को कितना आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। करंट स्किल्स डिपेंड करता है, चाहे वो मार्केटिंग का हो। एक वक्त था जब आप कन्वेंशनल मार्केटिंग करते थे, बोर्ड्स लगा दिए, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए, ठीक है ना, पैम्फलेट चिपका दिए, बट वो सारा आप डिजिटली जो है वो बहुत बड़ा जो एक परसेंटेज है वो डिजिटली जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। आप डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो करंट सिनेरियो के हिसाब से हर इंसान को या हर प्रोफेशनल को अपग्रेड होना पड़ता है। तो कॉम्पिटिशन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो क्वालिटी, ठीक है, ये सबसे पहली चीज है। स्टाइल्स, यूनिक स्टाइल्स, आप क्या यूनिकनेस अपने क्लाइंट को दे रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। पैसा मैटर नहीं करता है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। मार्केट का जो मैंने जो महसूस किया है, क्लाइंट पे करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, ठीक है। क्लाइंट आपको पे करेगा अगर आप उसको उसके मन के मुताबिक चीजें देते हैं, अगर वो आपके अंदर किसी यूनिकनेस को महसूस करता है तो क्लाइंट पे करने में पीछे नहीं है। ये गलत बात है कि कंपटीशन की वजह से प्राइस डाउन हो गया है। और अगर प्राइस डाउन हुआ है तो वो किया हमने है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है, आपके काम की जो वैल्यू है, वो प्राइस अगर आप सही तरीके से आपके क्लाइंट को अगर कन्वे करते हैं तो वो क्लाइंट आपको वो पे करेगा। तो ये एक तरीके का मिथ है कि वो कंपैरेटिवली प्राइस डाउन हो चुका है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिशन में आप सर्वाइव कर सकते हैं बशर्ते आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारे जिंदगी में बहुत खास दिन होते हैं, जैसे किसी का वेडिंग है तो पूरी जिंदगी में एक बार हमें शूट कराना होता है, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट कि हम बहुत अच्छा इसे, क्या हमें उसमें क्वालिटीज तलाश करनी चाहिए कि हम इसको हायर करें फोटोग्राफी में, हमें इस पर्सन को ही हायर करना चाहिए, क्योंकि हमें वो भेजते हैं बकायदा कि उन्होंने ये यहाँ यहाँ शूट किया है, तो हमें क्या तलाश करना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है जी। एक तो उनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे, उन्होंने पहले किस तरह के फोटोग्राफ्स खींच रखे हैं या उनकी टीम ने किस तरह के फोटोग्राफ्स खींच रखे हैं, ठीक है, उनके पोर्टफोलियो का आप चेक करेंगे। हाँ, ये भी एक हकीकत है कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे 1000 फोटोग्राफ्स में से मैंने 10 बेस्ट फोटोग्राफ जो है वो अपने पोर्टफोलियो पे डाले हैं, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। ये तो एक चीज है कि आप उसके पोर्टफोलियो को देखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लाइंट रिव्यू आप लीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो उनके क्लाइंट्स हैं उनसे बात करें, ठीक है।
ये जितने भी आप देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो लाइक जो लीड्स देते हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड वगैरह, लाइक अर्बन कंपनी वगैरह जैसे हैं, तो इनकी प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो वो अगर फोटोग्राफर्स को लीड देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनका जेन्युइन रिव्यू लेते हैं वहां पे, ठीक है। वो रिव्यू अगर जेन्युइन है तो उस बेसिस पे उनकी प्रोफाइल को वो आगे रखते हैं, अदरवाइज उनकी प्रोफाइल को डाउन कर देते हैं। तो क्लाइंट का रिव्यू मैटर करता है, आप क्लाइंट के रिव्यू को जाने, क्योंकि माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है वही एक्चुअल पब्लिसिटी है, क्योंकि वो प्रूवन है, वो एक्सपीरियंस्ड है जो उनका सर्विस है। तो क्लाइंट रिव्यू को भी आप ध्यान में रखें और साथ के साथ उनका प्रीवियस पोर्टफोलियो भी देखें। जी जी सर। अजय साहब, फोटोग्राफी जो है पहले नेगेटिव थी, फिर उसके बाद जो है डिजिटल हुई, तमाम तर चीजें जो है वक्त के साथ बदलती रही। फोटो स्टूडियो का भी कहीं ना कहीं अब एक वक्त के बाद जो है वो कम होती जा रही है। अब जो है डिजिटली लोग जो है एक दूसरे, क्योंकि कैमरा, ये मोबाइल के कैमरे इतने अच्छे आ गए हैं आजकल, लोग उनकी तरफ जो है रुख करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये शौक बढ़ा है और जिस तरीके से फोटो स्टूडियो से जो है ये कह सकते हैं कि उनका बिजनेस कम हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं नहीं मानता बिजनेस कम होने का कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपके घर में वेडिंग है तो आप अपने फ्रेंड को ये नहीं कहेंगे कि मेरी मोबाइल से शूट कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड अगर अच्छी फोटोग्राफी करता है तो आप उससे कहेंगे यार मेरा शूट कर दे। अगर आप बजट है तो आप उस फ्रेंड को भी, कोई अच्छी फोटोग्राफी करता है तो जरूर आप उसको कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जैसे साबरीन ने भी कहा कि वेडिंग कुछ ऐसे हमारी जिंदगी में मौके होते हैं जो एक बार ही आते हैं, ठीक है, और वो एक बार आने वाले मौके दोबारा नहीं आ सकते। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरा वो मोमेंट स्पॉइल हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा इंसान कैप्चर करे जो एक्सपीरियंस्ड है, जो स्किलफुल है, ठीक है। तो मैं इस बात को सही नहीं मानता कि मार्केट डाउन है, मार्केट बिल्कुल सही है। और फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जिसकी मार्केट नहीं डाउन जाने वाली। हाँ, इसके अंदर प्रोफेशनल्स ज्यादा हो सकते हैं, मैं ये मानता हूँ प्रोफेशनल्स जो है वो ज्यादा आएंगे, बट उसमें भी वो प्रोफेशनल सर्वाइव कर सकते हैं जिनके अंदर स्किल्स हैं, जिनके अंदर यूनिकनेस है। वो डिपेंड करता है, आप देखिए ऐसा है कि कंपटीशन को रोने लग जाऊं अगर मैं तो शायद मैं मर जाऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं कंपटीशन को सर्वाइव करना है, उस भीड़ में से खुद को आगे निकालना है। अगर मैं भीड़ का हिस्सा बन गया तो मुझे कोई देखेगा ही नहीं। मुझे तो तभी कोई देखेगा जब मैं वो भीड़ से अलग हूं, किसी ऊंची जगह पे खड़ा हूं, तभी या तो कोई मुझे देखेगा और तब मुझे कोई सुनेगा। तो मार्केट डाउन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि करंट सिनेरियो की वजह से लोगों के पास फाइनेंशियली थोड़ा सा अभी दिक्कतें हैं, उसकी वजह से वो हाई बजट ना जा रहे हों, ठीक है, वो कम बजट में वो कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हों, चलो कोई बात नहीं यार इतना तो हो जाएगा। बट फैक्ट इज कि मार्केट डाउन नहीं है, रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है। स्टूडियो वालों की भी रिक्वायरमेंट है, हाई एंड फोटोग्राफर्स की भी रिक्वायरमेंट है, लो एंड फोटोग्राफर्स की भी रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने फोटोग्राफी के अलावा फिल्म मेकिंग में भी अपना जो है आपने हाथ आजमाया है, कई आपने शॉर्ट्स फिल्में बनाई, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कैसे उस तरफ रुख किया आपने और क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिली? एक्चुअली क्या था कि फोटोग्राफी करते करते क्या होता है कि जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो जब कॉमर्शियल एस्पेक्ट आपका होता है, जब कॉमर्शियल फोटोग्राफी में जाते हैं तो सिर्फ आप फोटोग्राफी से तक लिमिटेड नहीं होते हैं। खासतौर पर अगर आप वेडिंग में जाते हैं तो वहां पे आपको सिनेमाटोग्राफी भी करनी होती है, ठीक है, हर सेक्टर को आपको टच करना है, चाहे वो एल्बम डिजाइनिंग हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो ऐसे ही प्लान तो था कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कुछ स्क्रिप्ट आई उस पर हमने काम करना शुरू किया। शुरू में कुछ गलतियां भी हुई, कुछ चीजें गलत भी हुई, बट धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती रही, स्क्रिप्ट आए उनपे काम किया, कुछ शॉर्ट फिल्म्स अच्छी चली, आगे बढ़ी, बस ऐसे ही चलता रहा। आपकी पहली शॉर्ट फिल्म कौन सी थी, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सके? बेसिकली वो जो थी वो एक लव ट्रायंगल पे बेस्ड थी, एक ड्रामा थी, कोई सोशल मैसेज तो नहीं था उसमें, एक नॉर्मल ड्रामा थी। तो उसमें तो खैर बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, बट हाउएवर फिर आदमी अपने बुरे एक्सपीरियंस से ही सीखता है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आगे चल के धीरे धीरे थोड़ा सा सोशल टॉपिक्स को हमने चूज करना शुरू किया, लाइक एक जो मैंने बनाई थी वो
जो बसेस के अंदर आमतौर पे ईव टीजिंग होती है, जो अकेली लड़कियां अगर खड़ी हैं तो उनको टच करना वगैरह, ये सब चीजें चलती हैं, या एसिड अटैक है, ठीक है, तो उस पे बनाई थी। तो इस तरीके की फिल्मों पे फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक आध कॉमेडी भी बनाई थी। तो ऐसे कंटेंट थोड़े से चले, लाइक हमारा जो जो ये ईव टीजिंग वाला था उसको अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन व्यूज मिले। उसके बाद आपके जो ये एसिड अटैक वाले हैं उसको अप्रोक्सीमेटली 250,000 प्लस व्यूज हैं। तो ऐसे करके फिर तो सोशल टॉपिक्स, इनफैक्ट ये कि अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो कम कम ड्यूरेशन में आप क्या मैसेज देते हैं ये डिपेंड करता है ना ऑडियंस के पास जो है ना बिलियंस ऑफ बिलियंस वीडियोज हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस कंटेंट है, वो आपके कंटेंट को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना उनको टच कर रहा है। जी जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि आप 2015 से इस फील्ड में, जो लोग नए आने वाले हैं इस फील्ड में उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस तरफ अगर कदम रख रहे हैं तो उनको क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं यार ये कहूंगा कि देखिए आप जब भी इस फील्ड में आए तो ये सोच कर ना आए कि पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा आपको खुद ब खुद मिलेगा, ठीक है, पहले आप अपने जो क्रिएटिविटी है ना उस पर ध्यान दें, स्किल्स सीखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें जितना ज्यादा। फोटोग्राफी है क्या, देखिए आप एक पेंटर की, पेंटर को करोड़ों लाखों रुपए देकर पेंट उसका जो पेंट है जो वो पेंटिंग है वो खरीद लेते हैं आप, क्यों खरीद लेते हैं? एक पेंटर और एक फोटोग्राफर में जो है ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक पेंटर को ना एक पूरा का पूरा सीन जो है ना वो मतलब उसका जो वो कैनवस है वो ब्लैंक है, उसके सामने सीन है, उसको एज इट इज उसको जो है वो पेंट करना है अपने कैनवस पे। एक फोटोग्राफर को जो है ना वही सीन सामने मिलता है, उसको करना सिर्फ है अपने कैमरे में कैप्चर करना है, उसको पेंट नहीं करना है। तो वो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है, आपके फ्रेम एंड कॉम्पोजिशन जो होती है उसको आपको कैसे बनाना है, एक जो आपके सामने जो एक कैनवस है उस कैनवस को आप कितना ब्यूटीफुली आप उसको कैप्चर करते हैं, ये सारे स्किल्स आपके अंदर जरूर होने चाहिए। पहले अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, आप खुद को आर्टिस्ट बनाइए, ठीक है, पैसा इसमें होगा, बट आप ये सोचकर अगर जाएंगे कि पहले ही कि मुझे पैसा कमाना है तो शायद आप एक लेबर बन के रह जाएंगे इसमें, ठीक है, आपका जो अपना अपना जो अपनी जो एक आइडेंटिटी है ना वो डेवलप नहीं हो पाएगी, किसी के पीछे किसी के साथ किसी की टीम में ये करते 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 चलता चला जाएगा। किसी के टीम में करना बुरा नहीं है लेकिन आपकी पहचान अपनी होनी जरूरी है एज ए फोटोग्राफर, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग कैमरा फोटोग्राफी शुरू करते हैं अभी स्टार्टिंग पे है उन्हें मतलब, या उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया, तो कैसे सही कैमरे का चुनाव करें कि उन्हें ये कैमरा लेना चाहिए, इस बजट तक लेना चाहिए अगर शुरुआत कर रहे हैं तो? ये डिपेंड करता है कि जो आपका बजट है उसमें रहें, बजट से ऊपर जाने की कोशिश ना करें, अननेसेसरी पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है। बजट है अगर आपका, देखिए शुरू में क्योंकि आपको फोटोग्राफी आती नहीं है, ठीक है, तो महंगे कैमरास खरीद के क्या करेंगे, ठीक है, जब आपके पास पैसा आने लगे फिर आप महंगा कैमरा खरीदें उसके लिए, क्योंकि एक देखिए अच्छी फोटोग्राफी जो है ना वो कैमरे का कमाल नहीं है, कुछ हद तक उसका परसेंटेज है लेकिन अच्छी फोटोग्राफी जो है ना वो फोटोग्राफर का कमाल है, कमाल है, ठीक है। अगर 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 मान लीजिए मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ और आपके बैकग्राउंड में सब कुछ मैंने ब्लर कर दिया, आपके बहुत अच्छे पोज बना लिए और मैंने फोटो खींच और वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि यार बैकग्राउंड ब्लर हो गया है ना, बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट है, वो मेरा कमाल नहीं है, वो कैमरे का कमाल है, उसने बैकग्राउंड ब्लर किया एंड ऑल किया ये सारी चीजें, मेरा कमाल तो ये है कि मैं आर्टिस्टिकली कितनी अच्छे से उसको कैप्चर कर रहा हूँ, मैं ब्लर ना करके भी पूरा एक जो फ्रेम है दिखाते हुए भी अपने सब्जेक्ट को कितना लिट अप कर रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट को कितना स्पॉट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी क्रिएटिविटी सबसे पहले आनी चाहिए, कैमरा मैटर करता है लेकिन इतना नहीं कि आपकी डिपेंडेंसी कैमरे पे हो जाएगी, तो पहले आप अपना बजट देखें, ठीक है। आ रही आवाज? जी बिल्कुल। तो आप लो रेंज कैमरा पे भी जा सकते हैं, लाइक जो एंट्री लेवल कैमराज हैं, सपोज नाइकॉन के D3500 है या कैनन के 1200D हैं, 1500D हैं, इन पे भी आप जा सकते हैं। और नहीं तो
आप यूज्ड कैमरा भी ले सकते हैं और कम बजट में आप यूज्ड कैमरा भी ले सकते हैं, उससे आप अपने आप को पहले प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए, जितना हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी को खोलिए उसके जरिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। मेरे सवाल है, आपने जैसा कहा कि यूज्ड कैमरा एक बड़ा अहम जो है जिंदगी में ये मसला रहता है, और वो उस पर्सन के लिए जो अभी शुरू कर रहा है, उसे कैमरे के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जिस तरीके से मार्केट है, चांदनी चौक की मार्केट है, लाजपत नगर है और दीगर और मार्केट है जहां सेकंड हैंड कैमरा मिलते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लिंक्स भी है जो दिखाते हैं कि हम सस्ता दे रहे हैं, तो यहाँ वहां खुद जाकर ये फैसला करना कि वो जो हम सामान खरीद रहे हैं या ये मार्केट जो है मुश्किल हो सकता है, कितना सही है? ये फैक्ट है कि आप कुछ जानते नहीं और सामने वाला बहुत कुछ जानता है, तो आप आपके साथ कौन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि इंडिविजुअल अगर कोई बेच रहा है ना उससे खरीदें। ठीक है, इंडिविजुअल भी अगर वो फोटोग्राफर है जी तो उसका तो बहुत ज्यादा यूज होगा वो। ठीक है, जी जी जी। तो बहुत ज्यादा यूज कैमरा भी मत लें। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज कैमरा भी मत, इंडिविजुअल जैसे मैं नॉन फोटोग्राफर, अगर मैं नॉन फोटोग्राफर हूँ तो आप मुझसे ले लें। ठीक है, अगर फोटोग्राफर है तो उसने तो यूज किया है ना, उसको तो प्रोफेशनली यूज किया, तो उसको उसने तो खूब यूज किया है, क्योंकि अगर उसके 100 फोटोग्राफर अगर उसने बाहर निकाले तो 1000 फोटोज खींचे हैं उसने। ठीक है, 900 उसने डिलीट कर दिए होंगे। आप जो कैंडिड फोटो देखते हैं, चाहे वो आपकी वेडिंग की हो चाहे वो ऑनलाइन हो, कैंडिड फोटो एक नेचुरल मोमेंट कैप्चर करना है मुझे, वो नेचुरल मोमेंट के मैंने 20 फोटो खींचे होंगे तब जाके एक नेचुरल मोमेंट आया होगा। ठीक है, तो शटर काउंट तो होता रहा ना, वो मोमेंट चाहे एक निकला बट शटर काउंट तो 20 हुआ ना, वो शटर काउंट बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज है, तो आप किसी इंडिविजुअल से खरीदें। ठीक है, और कोशिश ये करें कि अंडर वारंटी हो, लाइक हर कैमरा लगभग 2 साल की वारंटी देते हैं। ठीक है, कोशिश ये करें कि 1 साल यूज हो, 6 महीने ही कम से कम वारंटी हो, अंडर वारंटी हो वो। ठीक है, सो दैट आप एक बार लेकर उसको सर्विस करा लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इन चीजों का आप ध्यान रखें, और उसके बाद स्क्रैचेस देखें, कहीं 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 स्क्रैच तो नहीं है लेंसेस पे, कोई स्क्रैच तो नहीं है। ठीक है, फंगस वगैरह चेक करें, फंगस वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें देखें, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह रफली तो यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आमतौर पे अगर मैं एज एन स्टूडेंट अगर मैं कैमरा लेता हूँ, या मैं अननोन हूँ, मुझे फोटोग्राफी नहीं पता, बस शौकिया मैंने लिया है, तो अपने आप से ज्यादा मैं अपने कैमरे की केयर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, तो इन चीजों का ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा बजट शुरू में स्पेंड करने की जरूरत नहीं अगर आप एज अ प्रोफेशनल इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो, क्योंकि जब आप एज अ प्रोफेशनल आ जाएंगे तब रिक्वायरमेंट बेस्ड आप कैमरा लें। ठीक है, क्योंकि इस वक्त फोटोग्राफी फील्ड में मिररलेस का जो है वो बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, लोग मिररलेस की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, कॉमर्शियली जो है लोग इसको मिररलेस को यूज कर रहे हैं, तो नीड बेस्ड आप जो है वो कैमरा लें। पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दें, आपकी यूनिकनेस आपको काम दिलाएगी, आपका कैमरा आपको काम नहीं दिलाएगा, नहीं दिलाएगा। अच्छा, जैसे कि आप जब फोटो शूट करते हैं किसी इंडिविजुअल का या किसी मॉडल का, तो आप किन 2-3 बातों का ख्याल रखते हैं? जैसे कि हम अगर एज इंडिविजुअल फोटो क्लिक करें तो मैं इन बातों की, मेरा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा ब्राइट आना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, तो और किन बातों का, मतलब एज इंडिविजुअल मैं भी अगर अपनी कभी फोटो क्लिक कर रही हूं, तो हमें ध्यान में रखे करने मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रखूं, जितना हो सके हैप्पी रखूं, क्योंकि रीजन बीइंग अगर आपके चेहरे पे अगर स्ट्रेस है या टेंशन है तो वो फोटो अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि आपको मैं कहूंगा स्माइल कीजिए तो वो फेक स्माइल होगी, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि लाइट्स आपको बनाती हैं, लाइट्स आपको बिगाड़ती हैं। ठीक है, लाइट्स का कितना यूज हो सकता है, चाहे वो नेचुरल लाइट ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं दोपहर के टाइम में आपकी फोटो ना खींचू, क्योंकि उस वक्त जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत हार्श होती है। अर्ली मॉर्निंग खींचो या लेट इवनिंग खींचो, ठीक है, ताकि लाइट जो है वो आपके चेहरे पे सॉफ्टली पड़े। ठीक है, यही 2-3 चीजों का ख्याल रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि लाइट्स, सबसे बड़ी चीज है कि लाइट्स को कितना आप क्रिएटिवली यूज करते हैं वो मैटर करता है आपके सब्जेक्ट पे, यही फोटोग्राफर का कमाल है और कोई कमाल नहीं है। अच्छा, जैसे कि जो है जी बहुत से लोगों का ये होता है कि उन्हें पोर्टफोलियो शूट करवाना है या अपना अलग अलग तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो शुरुआती कितना खर्च एक इंसान पे पड़ सकता है
अलग अलग फोटोग्राफी के अगर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पोर्टफोलियो के लिए, ये डिपेंड करता है। कई लोग मेरे पास जब मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ तो मेरे पास आमतौर पे एक्ट्रेस वगैरह के भी फोन आते हैं, जैसे मेरा एक फेसबुक ग्रुप भी है तो उस फेसबुक ग्रुप में काफी लोग जुड़े हैं, तो वो लोग ना आमतौर पे ये सजेशन मांगते हैं कि पोर्टफोलियो कहाँ से शूट कराएं। या देखिए, एज एन एक्टर आपको पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका बिल्ड स्ट्रक्चर, आपके ऊपर किस तरह के ड्रेसेस कैसे लगते हैं, आपका फेस स्ट्रक्चर, आपकी स्टाइल्स, ये सब जो है ना वो एक फैशन डिजाइनर देखेगा, तभी तो वो आपको रैंप पे लेकर जाएगा ना, ठीक है। तो अगर आप फैशन पोर्टफोलियो बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको मॉडलिंग के लिए जाना है, ठीक है। एक तो जनरल पोर्टफोलियो है कि आप कहें कि मुझे सोशल मीडिया पे डालना है या मुझे फेसबुक पे डालना है, वो पोर्टफोलियो एक होता है। एक पोर्टफोलियो ये होता है जो आपको मॉडलिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो मॉडलिंग की जो पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट है उसका आपको एक्सपेंसेस अराउंड 25,000 मिनिमम जाना है। रीजन, उसमें मेकअप आर्टिस्ट इंक्लूड होगी, उसके अंदर स्टाइलिस्ट इंक्लूड होगा, उसके अंदर स्टूडियो, आउटडोर, लाइटिंग, वो जो भी है, स्टूडियो के अंदर अगर है तो स्टूडियो इंक्लूडेड है, आउटडोर है तो वो लाइट सेटअप जाएगा, बिना लाइट के नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर तो वो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पोर्टफोलियो के लिए, आपका पर्पस क्या है उस पोर्टफोलियो का। अगर आपको मॉडलिंग के लिए जाना है तो आपको फैशन पोर्टफोलियो आपको चाहिए ही चाहिए, वो आप किसी अच्छे से जो फैशन फोटोग्राफर हैं उनको रिसर्च करके उनके पास जाएं, वो 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा मिनिमम आना है, ओवरऑल मिनिमम जो भी है वो इतना आना है। अगर जनरली आपको फेसबुक वेसबुक के लिए चाहिए तो पोर्टफोलियो नहीं है, वो एक जनरल फोटोग्राफी है, वो आप किसी से भी खिंचवा ले, वो 5-10 हजार के अंडर में हो जाएगा, बल्कि 5 से 6 हजार के अंडर में हो जाएगा वो। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि अब आप कहाँ कहाँ मतलब काम करने वाले हैं एज अ फोटोग्राफर? देखिए, मेरा एज अ फोटोग्राफर जो है वो मेरा जो है वो बेस है, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला। कॉमर्शियली मैं उसको वेडिंग देखिए, ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो लोग एज अ फोटोग्राफर सुन रहे हैं उनको भी मैं बता सकता हूँ कि पैसा आपको वेडिंग फोटोग्राफी देगा, ठीक है, पैसा वेडिंग फोटोग्राफी देगा, लेकिन सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी में खुद को मत फंसाइएगा। अपना जो शौक है, चाहे वो ट्रैवल में आपका ट्रैवल का आपका शौक हो सकता है, मुझे ट्रैवल फोटोग्राफी मुझे पसंद है, चाहे वो फैशन फोटोग्राफी आपको पसंद है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है, आपका जो पैशन है ना, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी है, चाहे वो फैशन फोटोग्राफी है, चाहे वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, लैंडस्केप है या वाइल्ड फोटोग्राफी है, उसको खत्म मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपका आर्टिस्ट निकल के आता है। कॉमर्शियली आप वेडिंग में जा सकते हो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा आपको यही देगा, ठीक है, वेडिंग ही देगा आपको पैसा। तो नए लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप जाएं कॉमर्शियली तो वेडिंग के लिए ही जाएं, बट हाँ, अपने पैशन को कभी खत्म मत होने दें, क्योंकि आर्टिस्ट आपका वहीं से निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, सवाल क्या था, मैं भूल गया ये कि आपके प्लान्स क्या है। अच्छा, हाँ, मेरे प्लान्स यही है कि वेडिंग फोटोग्राफी तो देखिए ब्रेड एंड बटर है, तो ये तो रहना ही रहना है, साथ के साथ इसको मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ इवेंट मैनेजमेंट में। प्लान तो पहले ही शुरू हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से वो सब बिल्कुल स्पॉइल सा हो गया। वो तो इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉकडाउन हो गया, तो उसकी वजह से वो सबसे पहले वही इवेंट मैनेजमेंट ही डिस्टर्ब हुआ। तो आगे भी उसी को बढ़ाने का प्लान है, इवेंट मैनेजमेंट को ही साथ के साथ, क्योंकि हमने अपने इस इतने दिनों के जो हमारा स्पैन रहा है, इसमें बहुत लोगों से मिले, बहुत सारी चीजें हमने जानी, बहुत सारी चीजें हमने समझी, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से क्या सप्लाई मिल सकती है, कहाँ से क्या आउटसोर्स हम कर सकते हैं। तो ये समझते समझते होता है ना कि आप, और ये आपका हक भी है और ये कोई गलत नहीं है, अगर आप नई नई चीजें, अगर आप, क्योंकि फोटोग्राफी एक अलग चीज है, अगर आप साथ के साथ अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो प्लान मेरा इवेंट मैनेजमेंट को आगे ले जाने का है जी। एक सवाल आखिरी और, कि मैंने बहुत सुना है कि कुछ कलर्स जो है कैमरा पे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको ये कलर पहनना चाहिए, आपको वर्टिकल लाइंस में कुछ चीजें हैं, वर्टिकल लाइन में कुछ आप ना पहने कि उससे जर्क आता है, मतलब ये बातें कहाँ तक सच है, और कौन से ऐसे कलर हैं जो फोटोज में काफी बेस्ट दिखते हैं? इंडियन अगर स्टाइल की हम बात करें तो इंडिया में वाइब्रेंट कलर लोग ज्यादा चूज करते हैं,
वाइब्रेंट के साथ और जो भी पहने कॉन्ट्रास्ट में पहने, लाइक अगर ब्लू है तो उसके साथ कोशिश करें येलो कैरी करें, ठीक है। तो और अगर आपने ये कहा, हालांकि अब जो है धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज का जो फोटोग्राफ्स होंगे उसमें आपको ना फ्लैट कलर ज्यादा दिखेंगे, लाइक ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, ये सारे कलर, चाहे वो फैशन में ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आपको इन्हीं कलर्स के आसपास घूमते हुए दिखेंगे। बट इंडिया में वाइब्रेंट को ज्यादा पसंद किया जाता है, चाहे चाहे वो वेडिंग देख लीजिए, चाहे वो प्री वेडिंग देख लीजिए, चाहे अभी फैशन देख लीजिए, वाइब्रेंट कलर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। चॉइस होती है, इंडियन चॉइस है लोगों की, वो करते हैं। जैसे आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का बताया, तो ये डिपेंड करता है कि मॉडल अगर उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, खुद को अगर उनको लंबा दिखाना है तो वर्टिकल स्ट्राइप पहने, एग्जैक्टली। अगर वो मोटी है कभी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप ना पहने, ठीक है, वर्टिकल पहने, ठीक है। अगर आप मोटी हैं तो वो जो है आप वर्टिकल पहने, और अगर बहुत ज्यादा पतली हैं तो कोशिश करें हॉरिजॉन्टली पहने, हाँ अलग, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा लंबी हैं तो हॉरिजॉन्टली पहने। तो ये डिपेंड करता है कि आप खुद को दिखाना कैसा चाहते हैं। दूसरी चीज, जब भी फोटो के लिए पोज दें, आपका कोई भी बॉडी पार्ट कैमरे के सामने ना हो, वो बड़ा लगेगा। कैमरे के सामने कोई भी चीजें, चाहे वो बिगर होंगी, चाहे वो शार्पर होंगी, चाहे वो क्लोजर होंगी, वो बड़ा लगेगा। वो क्लाइंट सबसे पहले उस चीज को देखेगा, आई मीन जो ऑडियंस है, जो फोटो देखने वाला है, सबसे पहले उस चीज को देखेगा। तो कभी भी पोज दें, कोशिश करें थोड़ा सा नैरो डायरेक्शन हो, थोड़ा सा टिल्टेड डायरेक्शन हो, सामने ना हो एकदम, कोई भी पोर्शन है, चाहे वो वर्स्ट एरिया है, चाहे वो बेस्ट एरिया हो, कुछ भी हो, सामने ना हो पोज देते वक्त। बहुत बहुत अच्छा अनिल भाई। चलते चलते हम चाहेंगे कि कुछ अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें हमें भी। भाई मैं क्या टिप्स दे सकता हूँ, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत बहुत ऊंचे मकाम पे हैं। लेकिन हाँ, एक जरूर ये चीज कहना चाहूंगा मैं, रियली मतलब आप लोग यकीनन तारीफ के काबिल हैं कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म जो ये शुरू किया है, ये जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, मतलब उनके बीच में मेरा आना तो ऐसा लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि आफ्ताब को चराग दिखाने वाली बात तो लेकिन बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, और ऐसे ही जाते रहिए, बहुत अच्छा जो आप लोगों की ये कोशिश है और कामयाब भी हो रही है माशाल्लाह, और आगे ऐसे ही तरक्की करते रहिए आप लोग, बहुत अच्छा है, नो डाउट। मैं रियली बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म जो है, आप लोगों की जो ये कोशिश है, और आगे यकीनन पढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको यहाँ आ जाकर और हमारे सवाल जवाब से आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर फील हुआ होगा। अच्छा, बिल्कुल, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों से जुड़ पाया, यकीनन बहुत अच्छा ही लगा, बहुत बहुत खुशनसीबी है कि आइडिया आपका बहुत अच्छा है, इस पे जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुरुआत देखिए, हर कोशिश जो है ना वो छोटी सी ही होती है, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते जब उसको पसंद किया जाता है, और यकीनन आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, आपकी शुरुआत भी बहुत अच्छी है, और आगे आप लोग बढ़े हैं, मेरी तो यही तमन्ना है, और बहुत अच्छे से बढ़ भी रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और आप ऐसे ही शॉर्ट्स फिल्में बनाते रहें, आवाम को मैसेज देते रहें, और बेहतरीन फोटोग्राफी करते रहें, और फोटोग्राफ की दुनिया में आप और आगे जाएं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थे अजमल हसन साहब, जो कि फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफी करते हैं और फिल्म मेकिंग भी करते हैं। और आपको दोस्तों हम एक बात बताते चलें, आपने हमारे पोस्टर पे हमारी फोटोज देखी होंगी हम दोनों की, ये भी अजमल साहब के कैमरे से निकली हुई तस्वीर है। तो ये भी हमारी खुशनसीबी है कि उनके कैमरे ने हमें कैप्चर किया है, और बहुत से फोटोज ऐसे हैं जो बहुत हमारी जो है यादों को हमेशा जो है तरोताजा कर देते हैं, हमारी यादों में इजाफा कर देते हैं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, फोटोग्राफी से रिलेटेड जितने सवाल थे आज साबरीन ने पूछ डाले हैं, जिस किस तरीके से पोज लेना है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे कलर चॉइस करना है, सभी सवाल जो है उम्मीद है, और ये जो टिप्स आज साबरीन ने लिए इसके बाद आप देखेंगे इनकी फोटोग्राफी जो फोटोज ये अब इंस्टा पे डालेंगे उसमें और इजाफा होगा और चार चांद लग जाएंगे। तो आप सभी उन बातों का ख्याल रखें जो, जैसा कि अजमल साहब ने बताया कि जो मोटा है, जो पतला है, जो नाटा है, जो लंबा है, उनको किस तरीके के कपड़े वेयर करने चाहिए, कैसे कैमरा का एंगल होना चाहिए। तो साबरीन, कैसा लगा आपको आज?
मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती भी थी कि मैं किसी से कंसल्ट कर लूँ ये चीजें, और काफी टाइम में जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी कि मुझे कैसे क्लिक करनी चाहिए फोटो, और बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो काफी बार तो मैंने लोगों की फोटोज देखी है, वो ऐसे बिल्कुल पास करके कैमरा फोटो क्लिक कर लेते हैं एंड दे अपलोड ऑल्सो, उसको अपलोड भी कर देते हैं, मगर अगर हमें पता हो, जहन में हो ये दो तीन बातें, तो शायद हम बेहतर कर सकते हैं अपनी फोटोज को। और ये जो हमारा एक मुलाकात पे मैंने फोटो डाली हुई है अपनी डीपी पे, सो ये भी अजमल सर ने ही क्लिक की है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। एंड देट इज माई कैंडिड वन, जिसमें मैं शायद हम कोई गेम खेल रहे थे और मैं किसी मूवी का नाम बता रही हूँ, कैंडिड वन, एंड आई लव दिस पिक्चर सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे बहुत से फोटोज हैं जो हमारी जो है यादें और बहुत खूबसूरत हैं। अगर मैं कहूँ तो जिंदगी मौका दे तो मैं उन फोटो को जरूर फोटो फ्रेम करवा के लगाऊंगा, कर सकते हैं। और इसी के साथ आप हम दोनों को दें इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते किसी और नई शख्सियत के साथ, नई बातों के साथ। तो आप अपना रखें ख्याल और हम दोनों को दे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।